फ्री दिया बच्चों, दिस इज द रिलेशन ऑन सेट ए, और आपको बताना है, आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन ऑन दिस सेट। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पर बी ए से एक ज़्यादा होगा। और ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट, ए और बी बिलोंग्स टू व्हाट, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि रिलेशन कौन से सेट पे, ए पे। तो ए की वैल्यू तुम रखते जाओ, ए सबसे पहले क्या ले सकते हो, वन। तो ए अगर वन लोगे तो वन प्लस वन टू, बी कितना देगा टू। तो ए अगर वन लिया तो बी कितना आ गया टू, क्यों, क्योंकि बी ए से एक ज़्यादा है, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन है, ठीक। ए की वैल्यू टू रखो तो बी कितना आ जाएगा थ्री, ए की वैल्यू थ्री रखो तो बी कितना आ जाएगा फोर, ए की वैल्यू फोर रखो तो बी की वैल्यू फाइव, और ए की वैल्यू सिक्स रखो तो बी की वैल्यू सेवन। बट ये एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो, 6,7 जब आ गया था तो ये रहा ए और ये रहा बी, और ए बी किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को, क्योंकि रिलेशन किस पे, सेट ए पे, लेकिन बी की वैल्यू 7 है और 7 सेट ए को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये वाला एलिमेंट इस सेट में नहीं आएगा, ठीक है, रिलेशन वाले सेट में। तो ये रिलेशन आ गया। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट, 1,2, 2,3, 3,4 एंड 4,5, और 5,6 भी इसमें आएगा, 5,6 भी इसमें आएगा, 6,7 नहीं आएगा, ठीक है, 5,6 भी इसमें आएगा। जब तुम ए की वैल्यू 5 रखोगे तो बी कितना आ जाएगा 6। अच्छा, अब ध्यान से चेक करिए, क्या बच्चों ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो इसमें 1,1, 2,2 एंड 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन में ये सारे एलिमेंट नहीं आते हैं, तो इस बात को आप कैसे लिखोगे, इस बात को आप एग्जाम में लिखोगे कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद से ही रिलेटेड नहीं है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। और सीधी सी बात है यार, कोई भी एलिमेंट अपने से कैसे रिलेट हो सकता है, रिलेशन क्या है कि बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, यानी कि बाद वाला जो एलिमेंट है वो पहले वाले से एक ज्यादा हो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। जब आपने जैसे कि यहाँ पे मान लो 2,2 लिया, तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि दो इक्वल नंबर अगर हम लें और ये वाला इससे एक ज़्यादा हो जाए, कभी भी नहीं होगा ऐसा, तो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो इस तरीके से एग्जाम में हम लिख देंगे। अब चेक करेंगे इसकी क्या, तो बच्चों ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक करेंगे इसकी क्या कि सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ध्यान से चेक करिए, एक काउंटर एग्जांपल रिलेशन में से ले सकते हैं, जैसे कि ध्यान से चेक करिए, 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, हाँ है, क्यों बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि 2 1 से एक ज़्यादा है, और ये देखो रिलेशन वाले सेट में आ भी रहा है, बट इसका उल्टा, यानी कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, और 2,1 ऑब्वियसली रिलेशन में नहीं आता, और आएगा भी क्यों यार, क्योंकि ये ध्यान से चेक करो, बाद वाला जो नंबर है 1 वो 2 से एक छोटा है, ना कि एक बड़ा। रिलेशन क्या था कि बाद वाला नंबर पहले वाले से एक बड़ा हो, हमारा बादल नंबर पहले से एक छोटा है, ठीक है। तो ये काउंटर हो गया, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर आपको एग्जाम में लिखना चाहो तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो क्या, कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या हो जाए, रिलेशन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब इसकी स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे क्या, ट्रांजिटिविटी। तो इसकी ट्रांजिटिविटी अगर आप चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, देखो 1,2, ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है, बिलोंग्स टू रिलेशन है, एंड देखो ये 2 पे एंड हुआ है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, यस, एंड 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक। अगर वन ए कॉमा बी बिलोंग्स, ये देखो ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन टाइप का है, एंड ये बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन टाइप का है, बट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है, यानी कि 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। चेक करो 1,3 यहाँ नहीं आ रहा, और आएगा भी कैसे यार रिलेशन में, क्यों, क्योंकि जो 3 है वो 1 से 2 ज़्यादा है, और हमको ऐसे ऑर्डर पेयर चाहिए थे जिसमें बाद वाला जो एलिमेंट हो वो पहले वाले से एक ज़्यादा हो, लेकिन 3 इज 2 मोर देन 1, ठीक है। तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, और इसी काउंटर एग्जाम्पल से ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है।